जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों आज राजीव दीक्षित होते तो इंग्लिश दवाई कम से कम भारत में 50% बिकती। हमारे जितने भी वैद्य होते हैं उन्हें मार दिया जाता है या उन्हें जेल भिजवा दिया जाता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम। मैं हरिशंकर जैन एडवोकेट हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस का संरक्षक हूँ। आसाराम बापू जी एक विदेशी खड्यंत्र के तहत मैं उस विदेशी और खड्यंत्र का नाम भी नहीं लेना चाह रहा हूँ। उस खड्यंत्र के तहत फंसाए गए क्योंकि चुनाव के पहले उनको विश्वास हो गया था कि शायद उस सरकार के लिए आसाराम बापू जी का बाहर रहना सही नहीं है। माननीय आसाराम बापू जी का एक बेदाग चरित्र है। उन्होंने संतों को, साधु संतों को एक करने की कोशिश की, हिंदू समाज को एक करने की कोशिश की, वेद और शास्त्रों का उपदेश दिया। यह बात विदेशी शक्तियों को, हिंदू विरोधी शक्तियों को सहन नहीं हुई और एक खड्यंत्र करके उनको फंसा दिया गया। इससे भी ज़्यादा दुखद बात यह है कि आम जनता के मन में मीडिया ट्रायल द्वारा ये प्रचारित प्रसारित कर दिया गया कि श्री आसाराम बापू जी और उनके पुत्र दोनों किसी न किसी सेक्स स्कैंडल में वांटेड हैं, उनका योगदान है।